हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आसिद अली और आप देख रहे हैं टेक्नो कमर्शियल लाइव। आज हम एक डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे जो घर बैठे बहुत ही आसानी से कुछ कंपोनेंट के साथ हम एक डीसी पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, चार डायोड फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, दो कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड, दो आईसी 7805 और 7809, 1K का रजिस्टर, एलईडी और कुछ वायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सर्किट डायग्राम अपने सामने रखेंगे, तो आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। तो मैं पहले सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम चार डायोड ब्रिज फॉर्म में लगाएंगे, उसके बाद 1000 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर होगा, फिर 7805 फॉर 5 वोल्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के लिए, उसके बाद एक 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 1K का रजिस्टर और एक एलईडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम को यहाँ पे अपने सामने रखेंगे और इसको देखकर हम इस ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट माउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डायोड को इस ब्रेडबोर्ड पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह ब्रेडबोर्ड पर माउंट करना है जो ये ब्रिज फॉर्म में प्लेस होगा, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ से ऊपर के साइड से 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे जो कि फिल्टर कैपेसिटर है। तो चलिए हम माउंट करते हैं। कैपेसिटर का जो बड़ा वाला नीडल है वो पॉजिटिव है और जो ये छोटा वाला है वो नेगेटिव, और यहाँ पे आप सिंबल भी देख सकते हैं नेगेटिव का। तो जो पॉजिटिव होगा वो अपर साइड होगा, नेगेटिव लोअर साइड। अब इसको हमें नेगेटिव वाले लाइन में लगाना है, तो हम एक वायर लेंगे और यहाँ पर इसको जो नेगेटिव वाला जो लाइन है, पोलैरिटी है, वहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। इसके बाद हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 7805 आईसी है, उसका जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है उधर जाएगा, जो सेकंड है वो ग्राउंड और जो थर्ड है वो उसका आउटपुट होगा। तो फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड थर्ड वन इज़ अ आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ये 7805 आईसी है, 7805 का मतलब होता है 5 वोल्ट आउटपुट। तो चलिए हम इसे ब्रेडबोर्ड में प्लेस करते हैं।
तो आप जैसा देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, सेकंड वाले को ग्राउंड किया है, और जो थर्ड आउटपुट है उसको हमने 5 वोल्ट के एक दूसरे आगे वाले लाइन में हमने इसे प्लेस किया है। तो अब इसके बाद हम लोग ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला। तो अभी हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। और इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि है ना 1K का रजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे है एक LED है, तो 1K का रजिस्टर हम इसे यहाँ पे लगाएंगे। और LED लगाने, LED का जो पहला बड़ा वाला जो निडल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे इसे लगाएंगे और इसको ग्राउंड में दे देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा सर्किट डायग्राम रेडी है, हमने सारे कंपोनेंट माउंट कर दिए हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसको पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई देकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सर्किट डायग्राम में जो एसी, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी 12 वोल्ट एसी है वो यहाँ पे कनेक्ट है, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है। तो उसी तरह हम ब्रेडबोर्ड में भी कनेक्शन देंगे। तो फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर है, तो मैंने एक यहाँ पे दे दूँगा, और जो सेकेंड वाला है वो यहाँ पर है। तो चलिए फटाफट है ना कनेक्शन, एसी कनेक्शन देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये LED ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये सर्किट वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। 0.97, दैट मीन्स का ऑलमोस्ट ये 5 वोल्ट हमें DC पावर सप्लाई दे रहा है। तो चलिए अभी हम 7805 AC को चेंज करके, रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम लोग 7809 लगाएंगे, और देखते हैं कि 9 वोल्ट मिल रहा है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम इसे स्विच ऑफ करेंगे यहाँ से, और 7805 को हम लोग निकाल के 7809 लगाएंगे। तो हमने 7809 IC लगा दिया है। अभी चलिए हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कि 9 वोल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कि ये 9.07, यानी ऑलमोस्ट हमको 9 वोल्ट DC पावर दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम एक आसान तरीके से DC पावर सप्लाई बना सकते हैं।